बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर कुछ पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने बुधवार को अपने घर पर मीडिया से बातचीत में विवादास्पद लाल डायरी के कुछ अंश जारी किए हैं। राजेंद्र गुड्डा का दावा है कि इस लाल डायरी के जो अंश वो जारी कर रहे हैं वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और सीएम गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ ने लिखी है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर तीन पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं। राजेंद्र गुड्डा के मुताबिक लाल डायरी के अंश में राठौड़ ने लिखा है कि वैभव जी और मेरे दोनों के राजस्थान क्रिकेट संघ खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी समोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा है। बता दें कि उन्होंने जिस डायरी के अंश जारी किए हैं उसमें सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के करीबी भवानी समोत का जिक्र है। गुड्ढा के मुताबिक यह डायरी का दूसरा पेज है, इसमें जो हाईलाइट किया गया है इसके मुताबिक राठौड़ लिखते हैं कि भवानी समोत और राजीव खन्ना घर पर आए और आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समोत ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा यह ठीक नहीं है, आप इसको पूरा करो। तो भवानी समेत ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समोत ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूँ।